तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मिल्क हाउस के एक और नए वीडियो पे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 हो रहा है अभी, और अभी हमारे फार्म हाउस पे सबको पानी पिलाया जा रहा है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, हमने पाइप ऑन करके अभी बाल्टियों से इनको पानी पिलाया है। हालाँकि सब अभी अपने घर में आराम कर रहे होंगे, गर्मियों का मौसम है, कोई इस टाइम पर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है क्योंकि ये देखिए गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा है। और हमारे फार्म पे अभी भी काम चल रहा है, अभी हमने इनको जस्ट पानी पिलाया है, ये देखिए, इसीलिए सब खड़े हैं अभी। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखिए हमारे फार्म पे अभी काम शुरू है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। ये देखिए भूसा फुलाने का काम चल रहा है अभी, ये हो जाएगा। और ये देखिए, ये है, ये जो है गेहूं का जो कुट्टी होता है, हमने उसे कराया है, कुट्टी कराया है। इसको अपन अभी क्यों फुला रहे हैं, क्योंकि उसको फुलने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने इनको 2 घंटा पहले फुला दिया है। इसके बाद तकरीबन 4-4:30 बजे के आसपास काम शुरू होगा, इसमें फीड मिलाया जाएगा इनके लिए, और 5 बजे इनका मिल्किंग शुरू होगा, इसके बाद सबको खाना खिलाया जाएगा। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए, ये जो है, ये है सरसों का खली, हमने इसे भी, हालांकि ये पूरी तरीके से फूल चुका है, मैंने इसको 2 घंटे पहले फुला दिया था पानी में, और इसको मैं ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा ही दूंगा सबको, जितने भी जो गाय हैं हमारे जो दूध दे रहे हैं उनके मैं डालूंगा। ये देखिए, ये पूरी तरीके से फूल चुका है। तो अभी भी चनचनाती धूप में काम चल रहा है हमारे फार्म पे। ये देखिए सब में अभी पानी डाला जाएगा। अगर आपके घर में फार्म है तो आपको पता होगा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमने सबको भिगो के रख दिया है, और ठीक 2 घंटे बाद काम शुरू होगा, इनको मिलके आना, कैटल फीड में मिलाया जाएगा, सबको पानी को छान के अच्छे तरीके से उसे मिलके आना, फिर मिलाएंगे हम उसको भी, अभी फुलाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, अगर घर में डेयरी है तो आपको एक अच्छा मैनेजमेंट रखना ही पड़ेगा बना के, तभी काम सही से हो पाता है। अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो काम में लेट होगा, इसके बाद मिल्क भी डिलीवर कराना पड़ता है। तो अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो सब काम में देर होगा, सब काम आगे पीछे होगा, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम तो नहीं होता है, हालांकि टाइम भी बहुत देखना पड़ता है, टाइम के साथ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी हम अपने फार्म पे लगे हैं, अभी तकरीबन 2 बजने वाला होगा, ऐसे ही चनचनाती धूप में हम अपने पशुओं का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ छूट रहा था, ये देखिए, ये है गेहूं और चावल का दलिया, तो अभी मैं इसको फुलाने जा रहा हूं, और इसको जितने भी दुधारू पशु हैं दुधारू वाले, उनके मैं ऊपर ऊपर से मैं डालूँगा, तो अभी मैं इसको फुलाऊँगा पानी में, और ये बहुत जल्दी फूल जाता है दलिया, तो आप लोग को पता ही होगा। ये देखिए चावल और गेहूं का है ये, तो ये घर से बना हुआ है, तो एकदम प्योर है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उससे तो ये बेटर है, तो ये आप खिला सकते हैं अपने गायों को मैं खिला रहा हूँ, तो अभी हम इसको फुलाएंगे। तो दोस्तों अभी बज रहा है 4:30, और इनको अभी हम अंदर करेंगे गायों को, और फिर से अभी पानी पिलाया जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इनको दिन में कम से कम हम लोग 3 से 4 टाइम इनको पानी पिलाते हैं। 11 बजे होता है, और एक दोपहर का समय होता है जो 1:30 के आसपास था, और एक अभी 4 बजे है,
जो भी हम अभी गाय अंदर करेंगे, इसके बाद इनको पिलाएंगे, इसके बाद फिर इनको भूसा खिलाया जाएगा, इसके बाद फिर एक बार मैं पानी दिखाऊंगा इनको, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पानी चाहिए होता है, और क्योंकि गाय दूध देने वाली है उनको तो और समय समय पर चाहिए होता है पानी, तो उनका खास कर ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए अभी एक गाय अंदर गई है, उसका मिल्किंग हो रहा है, और बाकी इधर जो हैं उनको अभी भी धीरे धीरे अंदर करेंगे, और फिर इनका मिल्किंग होगा अभी। ये देखिए ये पशुवार अभी हम खिला रहे हैं, ये देखिए ये गोटी वाला है, इसको पानी में अपन 10 से 15 मिनट खिला देते हैं तो ये पूरी तरीके से भीग जाता है, फूल जाता है, तो इसको मिक्स करेंगे इसमें ये भूसा में, और अभी गायों को अंदर किया जा रहा है। देखिए अगर आपके घर में डेयरी है तो आपको मैनेजमेंट और टाइमिंग और देख रेख पशुओं का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनका बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, जो खासकर बच्चे हैं गर्मियों में और दुधारू पशु वाले हैं उनको भी, अगर मैनेजमेंट सही होगा तो पूरा काम अच्छे से होगा। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिए हमने इनको दोपहर में सब फुला के रख दिया था, क्योंकि ये कैटल फीड बहुत जल्दी फुल जाता है, इसलिए हम इसे 15 मिनट पहले फुलाएंगे, तो ये अभी इसका काम भी चल रहा है। तो डेयरी में एक प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो मैं अपने फार्म का फीड मैनेजमेंट का एक अलग वीडियो बना के दूंगा आपको, इस वीडियो में मैं खाली अभी ऊपर से दिखा दे रहा हूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। होगी साथ।